हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रिमाइंडर एप्लीकेशन में रिमाइंडर कैसे क्रिएट करते हैं, उसे डिलीट कैसे करते हैं, ये एक बेसिक यूसेज बताने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक रिमाइंडर एप्लीकेशन क्या है उसका बेसिक आइडिया दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो देख लीजिए। इन्फॉर्मेशन बटन में आपको वो लिंक मिल जाएगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले आप वो देख लीजिए, तो रिमाइंडर एप्लीकेशन के बारे में आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगी और बाद में ये सीरीज में ये जो वीडियो है आप उसे कंटिन्यू कीजिए। तो ये जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि रिमाइंडर्स एप्लीकेशन का बेसिक यूसेज क्या है। तो आपने ये रिमाइंडर एप्लीकेशन का आइकॉन तो देखा ही होगा। अगर आप आईफोन रेगुलरली यूज़ करते हैं तो रिमाइंडर एप्लीकेशन जो है वो iOS की नेटिव एप्लीकेशन है, आपको पता ही होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रिमाइंडर एप्लीकेशन ओपन करनी है। बेसिकली ये एप्लीकेशन जो है वो उसमें आप जैसे टू डू लिस्ट वगैरह होते हैं वैसे एक रिमाइंडर क्रिएट कर सकते हैं और उसमें बाद में अलर्ट डेट वगैरह सेट कर सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर डेट पर आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम लॉन्च किया, आपने देखा कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो ये जो है वो रिमाइंडर्स का लिस्ट है। अभी मेरे लिस्ट में जीरो रिमाइंडर है, तो यहाँ पे आप प्लस आइकॉन देख रहे हैं, तो यहाँ से मैं नई रिमाइंडर ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको कोई जगह विजिट करना है या तो फिर कोई चीज़ रिमाइंडर करनी है, फॉर एग्जाम्पल एक दिन के बाद, या तो फिर कोई कहाँ पर विजिट करनी है, तो यहाँ पर एक मैं टेस्ट रिमाइंडर ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर प्लस पे ऐड करना है, जैसे प्लस पे ऐड करूँगा यहाँ पे कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मुझे स्मॉल टाइटल डालना है रिमाइंडर का। फॉर एग्जांपल, मुझे एक स्कूल विजिट करनी है, तो यहाँ पे विजिट स्कूल, तो यहाँ पे मैंने विजिट स्कूल डाल दिया, तो ये रिमाइंडर का टाइटल हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी मैं एडिट मोड में हूँ और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का आइकॉन है, तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ रिमाइंड डेट यानी अलर्ट डेट सेट करनी है तो मुझे यहाँ पे टैप करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे टैप करूँगा तो यहाँ पे एक टाइटल तो आ गया मैंने जो एंटर कर दिया, रिमाइंड मी ऑन ए डे, मुझे ये पर्टिकुलर डे सेट करना होगा, यानी मुझे ये दिन पे रिमाइंडर चाहिए। तो जैसे मैंने विजिट स्कूल, लेकिन किस दिन पे मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए, तो यहाँ से मुझे डेट सेट कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे आज चाहिए या तो फिर एक दिन के बाद चाहिए, और कौन से टाइम पे चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 AM, जैसे मैंने सेट कर दिया, बाद में मुझे टैप करना है डन। तो जैसे मैं टैप डन करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विजिट स्कूल एक रिमाइंडर क्रिएट हो गई, उसमें टुमारो 10 AM एक अलर्ट सेट हो गई, यानी अगले दिन यानी जो भी डेट मैंने सेट की है वो पर्टिकुलर डेट पे 10 बजे मुझे एक अपने आईफोन के अंदर रिमाइंडर मिल जाएगा। इसे नोटिफिकेशन बोलते हैं, एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा मुझे अपने डिवाइस के अंदर। दूसरा ऑप्शन अब देखते हैं, जैसे आपने ये रिमाइंडर सेट कर दिया, अगर आपको उसे एडिट करना है फॉर एग्जांपल, तो कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको रिमाइंडर को सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये जो टाइटल है वो तो एडिट मोड में आ जाएगा, यहाँ से मुझे जाना है इन्फो बटन में। अब मैंने यहाँ पे रिमाइंडर तो सेट कर दिया कि 16 तारीख को 10 बजे, लेकिन कुछ रिमाइंडर ऐसी होती है कि आपको डेली बेसिस पे रिमाइंड करवाना होता है, तो आप उसे रिपीट में सेट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिपीट का ऑप्शन नेवर है, तो अगर आपको वो हर डेली बेसिस पे 10 बजे रिमाइंड करवाना है तो नेवर के बदले आपको चूज़ करना है एवरीडे। तो जैसे मैंने एवरीडे चूज़ कर लिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिपीट जो है वो डेली बेसिस पे हो गया डेली। अगर आपके पास कुछ टाइमिंग है, जैसे आप 5 या 10 दिन वगैरह पे रिमाइंडर करना चाहते हैं और कोई पर्टिकुलर डेट पे आपको उसे एंड कर देना है, रिमाइंड करवाना, तो यहाँ से एंड रिपीट का ऑप्शन भी है। एंड रिपीट कब करना है, रिपीट फॉर एवर, एंड रिपीट डेट, यहाँ से आप डेट सेट कर सकते हैं, तो वो डेट के बाद आपको रिमाइंडर करवाना बंद हो जाएगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, डेली भी है, एवरी वीक भी है। अगर जैसे आपने पहली बार डेट सेट की, उसके बाद में हर एक वीक यानी 7 दिन के बाद जो डेट आएगी वहाँ पर आपको रिमाइंडर मिलता जाएगा, एवरी 2 वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, या तो फिर यहाँ पे कस्टम ऑप्शन है, कस्टम ऑप्शन के थ्रू भी आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट करनी है आपको कि ये जो रिमाइंडर आपको कब मिलेगा, डेली, वीकली वगैरह, ईयरली, और जैसे फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, बाद में दूसरा एक ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी के साथ एवरी, यानी एवरी 1 डे 2 डे, तो उसके हिसाब से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आपके हिसाब से जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप सेट कर सकते हैं। अभी तो मेरी रिक्वायरमेंट है डेली रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे नेवर कर दूंगा, यानी एक ही बार मुझे टुमारो रिमाइंड होगा और बाद में ये वो मुझे रिमाइंड नहीं करवाएगा।
तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने रिमाइंडर सेट कर दी और उसमें डे और टाइमिंग भी वगैरह भी आ गया। तो अगर मुझे देखना है कि टोटल कितनी रिमाइंडर मैंने सेट की है, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली मुझे यहाँ से स्वाइप करना है। जैसे मैं स्वाइप कर दूंगा तो यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आ जाएगा स्केड्यूल। तो उसमें क्या होगा कि जितने जितने रिमाइंडर जितने जितने दिन पे स्केड्यूल हुई हो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे मिल गया फॉर एग्जांपल टुमोरो, यानी आज। ये जो है वो रेफरेंस के बेसिस पे होगी, आज जो दिन है उसके हिसाब से यहाँ बताएगा। तो जो जैसे ये रिमाइंडर हो है, टुमोरो है, तो टुमोरो एक रिमाइंडर है, तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ। और बाद में मैं यहाँ टैप करूँगा तो मैं नॉर्मल लिस्ट भी देख सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि आप रिमाइंडर को डिलीट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक टेस्ट रिमाइंडर क्रिएट कर ली, ये टेस्ट रिमाइंडर है, तो ये क्रिएट हो गए, डन प्रेस कर दिया तो एक रिमाइंडर क्रिएट हो गए। अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए सिंपली टैप करना है एडिट बटन, और एडिट बटन टैप करने के बाद यहाँ पे जो माइनस ऑप्शन है तो मुझे टैप करना है। जैसे टैप करूँगा तो यहाँ से ये ऑप्शन आ गया डिलीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे भी टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं चैनल पर नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको अपने डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।